भाइयों बहनों, पड़ोसी देश एक घटना में सफल हुआ और हमारे 18 वीरों को बलि होना पड़ा। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, ये देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। भाइयों बहनों, पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। आतंकवादी कान खोल के सुन रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ और देखे पहले कौन जीतता है। चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, आओ। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे पालकों से बात करना चाहता हूं, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? देशवासियों, हमारे देश का भविष्य शांति, एकता, सद्भावना से जुड़ा हुआ। भाइयों बहनों, मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे। सवा सौ करोड़ देशवासियों को हमारी सेना पर नाज है, हमारी सेना पर हमें गर्व है, उनकी वीरता पर गर्व है, उनके पराक्रम पर गर्व है, उनके बलिदान की गाथाओं पर गर्व है। देश के नेता, उनके हुक्मरान कहा करते थे 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए कहीं नजर नहीं आए।
इंडिया की। डीजे आतंकवादी कान खोल के सुन रहे हैं, भारत के 750 करोड़ देशवासियों का मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। पड़ोस के देश के नेता, उनके हुक्मरान कहां करते थे, 1000 साल लड़ेंगे, काल के भीतर कहां खो गए, कहीं नजर नहीं आते हैं।